हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एकदम लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, वो है दोस्तों डिस्क ब्रेक। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पहले के जो डिस्क ब्रेक आते थे दोस्तों, वो कुछ इस तरह से आते थे, उस पर कोई भी छेद नहीं रहते थे दोस्तों, बहुत जाड़ी सी प्लेट रहती थी, बहुत बड़ी प्लेट रहती थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी आजकल के बाइक्स देखे होंगे तो उस पर बहुत सारे ऐसे छेद आते हैं दोस्तों, बारीक बारीक छेद होते हैं दोस्तों। तो इसका क्या रीज़न होता है दोस्तों, यही हम आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे UPSC या फिर बैंकिंग का एग्जाम या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम, तो दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में या फिर मेन एग्जाम्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी रिलेटेड और थोड़ा सा जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में नॉलेज। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं, हमें अगर आपने पहले देखा होगा दोस्तों, ये जो डिस्क होती थी दोस्तों, बहुत जाड़ी होती थी, बहुत बड़ी होती थी, और जब भी ब्रेक्स लगते थे दोस्तों इस पे, तो ये ब्रेक्स लगने के बाद इसको फ्रिक्शन होता था, इसका घर्षण होता था, और ये गर्म हो जाती थी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी दोस्तों। तो फिर बाद में दोस्तों, रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे ढूंढ निकाला दोस्तों कि ये जो प्लेट है इसको थोड़ा सा पतली करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने थोड़ा सा वेट कम कर दिया दोस्तों और इसको पतली किया। लेकिन दोस्तों, फिर भी उनको वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो वेट तो उसका कम हो रहा था, लेकिन दोस्तों वो फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी जब ब्रेक्स लगते थे। तो दोस्तों, उन्होंने एक बहुत आसान सा तरीका ढूंढ निकाला दोस्तों, और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत कारगर हुआ दोस्तों, इसकी वजह से इसको अभी सारे बाइक्स में यूज़ करते हैं दोस्तों। तो उन्होंने इस डिस्क ब्रेक में छोटे छोटे छेद बना दिए दोस्तों, उससे क्या होता है कि इसमें से हवा चली जाती है दोस्तों, और ये बहुत जल्दी ठंडी होती है दोस्तों, तो ये पतली भी होती है, इसका वेट भी कम होता है दोस्तों, और इनमें छेद होने के कारण ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है। तो कितना भी फ्रिक्शन हो जाए दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है कि ये गर्म हो जाए, और इस पर कोई डिप्रिसिएशन भी नहीं होता है दोस्तों, तो वो भी रिस्क कम हो जाता है। तो यही एक रीज़न है दोस्तों, आपने अगर देखा होगा कि मॉडर्न जो डिस्क होती है दोस्तों, उस पर ऐसे अलग अलग डिजाइन के जो है वो छेद होते हैं दोस्तों, तो यही एक रीजन है। अब अगर अभी आपने देखा तो होगा दोस्तों, मॉडर्न जो प्लेट्स होती है दोस्तों, वो तो एकदम अभी ऐसे क्रिएटिव डिजाइन में आती है दोस्तों, एकदम अलग अलग डिजाइन रहता है दोस्तों, उसका पूरा ऐसे सर्कल भी नहीं रहता है, और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, अलग शेप रहता है दोस्तों, और इसमें से छेद भी जो होते हैं दोस्तों, वो बहुत बड़े रहते हैं। तो अभी ये जो मटेरियल है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा यूज किया जाता है, बहुत स्टर्डी मटेरियल होता है ये, एकदम फ्रिक्शन होने के कारण ये डेप्रिशिएट भी नहीं होता है दोस्तों, और ये जल्दी से गर्म भी नहीं होता है, और इन छेदों की वजह से दोस्तों ये इसमें से हवा आती जाती रहती है, और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यही एक रीज़न था दोस्तों, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अभी जो नए मॉडर्न बाइक्स में जो डिस्क ब्रेक आते हैं दोस्तों, इनमें जो प्लेट होती है ये ऐसे अलग अलग डिज़ाइन की होती है, और इसमें बहुत सारे छेद होते हैं दोस्तों। अभी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी दोस्तों, अब इसे ज़रूर याद करके रखो, क्योंकि हो सकता है आपको कोई भी इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने बहुत सारा ऐसे आपके साथ वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है, जो कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, कुछ हेल्थ रिलेटेड है दोस्तों, हमने जनरल नॉलेज के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने ऐसे GK क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ निकाले हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे जाके भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज़ और करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगे, और दोस्तों हमने वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिसपे हमने ऐसी वेबसाइट्स आपको बताई है जिसपे आप काम कर सकते, और दोस्तों आप घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, एज अ फुल टाइम एज अ पार्ट टाइम भी। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियोस ज़रूर देखो, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और आप आपके लाइफ में तरक्की कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।